अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आई हूँ लेक्चर नंबर 4 के लिए के साथ विद फॉर क्लास 12 चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 हमारा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी। और हम लोगों ने कल इसमें जो है डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स चेक की थी अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स और उनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से, पीरियड्स और ग्रुप के हिसाब से, जिसमें एटॉमिक साइज था। उसके अलावा हम लोगों ने चेक की थी, पढ़ी थी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आज हम लोग नंबर 3rd पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हमने बात स्टार्ट की है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, तो हम कहते क्या हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। इज़ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू गैशियस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी एलिमेंट में ऐड करना, किसी के एटम में ऐड करना है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देते हैं। आप ने अगर नोट किया हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आयनाइजेशन एनर्जी में हमें इलेक्ट्रॉन निकालना था, एमिट करवाना था किसी एटम से, किसी गैशियस एटम से, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी थी और इसमें हमेशा हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती थी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है जिसमें इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होता है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जो एनर्जी या तो रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी जब एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होता है गैशियस एटम में, ताकि वो एक नेगेटिव आयन बन सके। फॉर एग्जाम्पल, एफ में अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया है तो एफ नेगेटिव आयन बना है और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -337 किलो जौल पर मोल। इस सूरत हाल में हम लोग हमेशा एनर्जी जो है वो, क्योंकि वो रिलीज हो रही है, इसलिए हम लोग इसको जो है नेगेटिव की सूरत में लिखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, तो वो एनर्जी को रिलीज़ करता है और उस एनर्जी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किलो जौल पर मोल में, और उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं हैलोजन, वो क्या कहते हैं, सॉरी, नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। इसको हम लोग नेगेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो हम उसको पॉजिटिव फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और अगर एनर्जी रिलीज़ हो तो हम उसको नेगेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं जिसमें हम लोग दोबारा, एक दफ़ा अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया और उसको नेगेटिव आयन बनाया है, तो हम लोग उसमें दोबारा से इलेक्ट्रॉन ऐड करवा के मज़ीद उसका नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब इस सूरत हाल में होता क्या है कि पहली दफ़ा जब मैंने इस ऑक्सीजन के एटम में मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया, तो ऑक्सीजन का एन आयन बन गया, ठीक है। इस सूरत हाल में जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो रिलीज होती, दैट इज़ अबाउट -141 किलो जौल पर मोल, सही है। अगर मैं दोबारा से इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाती हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है, तो मैं इसमें दोबारा से इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रही हूँ, तो इसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो चुका है। ऐसे में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 2, ये नंबर 1 थी, ये नंबर 2 है, दैट इज़ पॉजिटिव 780 किलो जोल पर मोल। यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसी सूरत हाल में जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी, वो एनर्जी अब लेगा। पहले पॉइंट में उसने एनर्जी को रिलीज़ किया था, नाउ इट्स एब्जॉर्बिंग द एनर्जी। क्या वजह बनती है कि ये एब्जॉर्ब कर रहा है? ये इसलिए एब्जॉर्ब कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, जब एक और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आप लेके आ रहे हैं, तो पहले से जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिपल्शन करते हैं, उससे रिपेल करते हैं, उसको अपने से दूर भेजते हैं, ठीक है। वो उसको अपने से दूर भेजेंगे तो उसी शेल में, जिस शेल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन उसके खिलाफ है, उसको ऐड नहीं होने देना चाह रहे, वो उससे रिपेल कर रहे हैं, तो उसी शेल में अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को दोबारा ऐड करवाना है, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ज़्यादा कि उनकी रिपल्शन की एनर्जी के ओवरकम कर सके, ठीक है। वो जिस फोर्स उसको रिपेल कर रहे हैं, मुझे उससे ज़्यादा फोर्स, दुगनी फोर्स, ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो उनकी जो रिपेल करने की फोर्स है उसको ओवरकम कर सके, और उस ओवरकम करने के बाद वो उसमें मतलब उस एन आयन जो ऑलरेडी एन आयन है उसमें दोबारा ऐड हो सके। तो इस सूरत हाल में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, हम लोग उसे एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हुई थी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड किस पर करती है? इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ एटम। सबसे पहले कि ये किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ एटम। अब क्या मसला है, देखें, अगर एटम का साइज बड़ा है, ठीक है, एटम का साइज बड़ा है और जो न्यूक्लियस है जो बाहर वाली इलेक्ट्रॉन शेल से दूर है, तो अगर ये
ऐसे है, बड़ा है ये न्यूक्लियस जो है बाहर वाली आउटर मोस्ट शेल से दूर है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, ऐसी सूरत हाल में न्यूक्लियस की तरफ से उस इलेक्ट्रॉन को कोई अट्रैक्शन नहीं मिल रही है, उल्टा जो बाहर पहले से ही मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं वो उसको जो है रिपेल कर रहे होंगे। तो ऐसी सूरत में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। उसके अलावा न्यूक्लियर चार्ज, अगर ऐसे होते हैं कि छोटे जो एटम्स हैं उनमें न्यूक्लियर चार्ज बहुत छोटा होता है, जैसे पॉजिटिव वन पॉजिटिव टू यानी कि एक दो तीन चार प्रोटॉन होते हैं, उस वक्त उस चार्ज की इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ग्रैब कर सके, उनको उसको पकड़ सके, ठीक है। तो इसी तरह अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी, अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। उसके अलावा तीसरा पॉइंट जिस पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज़ वैकेंसीज। अब हमें ये भी तो देखना है कि जब मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो क्या जिसके अंदर मैं ऐड करवाने जा रही हूँ उस एटम के अंदर पहले से वैकेंसी मौजूद है या नहीं है, क्योंकि अगर वैकेंसी नहीं है तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर वैकेंसी है तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होगी, ठीक है। अगर वैकेंसी है तो इलेक्ट्रॉन अंदर एडजस्ट हो सकता है, यहाँ पे चौथे की वैलेंसी थी इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता था तो यहाँ पे इजीली ऐड हो जाएगा और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और अगर वैकेंसी कम है, जैसे यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं और एक 8th की कमी है और मैं एक और इलेक्ट्रॉन लेके आना चाह रही हूँ, पहले से मैंने एक ऐड करवा दिया, दो ऐड करवा दिया, मैं एक और लेके आना चाह रही हूँ, तो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इधर जो 7 होंगे इलेक्ट्रॉन वो इस 8th आने वाले को बहुत ज़्यादा रिपेल कर रहे होंगे। इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एनर्जी जो है उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है उस एन आयन को, उस इलेक्ट्रॉन को, ताकि जो है वो मतलब कि आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर ऐड हो सके, ठीक है। अब ये है कि स्मॉलर एटम्स जो होते हैं जिनके एक या दो वैकेंसी होती है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। स्मॉलर एटम जैसे कि हो गया हाइड्रोजन है, ठीक है, उसकी उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है कि वो अपनी शेल को कंप्लीट कर सकेगा, ठीक है। जब वैकेंसी है तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें इतनी ज़्यादा है कि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़रूर ग्रैब करेगा, क्योंकि हर एटम की यही होती है कोशिश ऑक्टेट रूल के हिसाब से, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, कि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ग्रैब करते हैं, वो किसी ना किसी तरह अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और अगर एक आने वाले इलेक्ट्रॉन से उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए तो वो जरूर उस इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखते हैं, यानी कि उस सूरत हाल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर विद इन अ पीरियड। अगर हम लोग पीरियड में बात करें तो जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते जा रहे हैं तो उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में उनका प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम ग्रुप में लेफ्ट से राइट मूव करते जा रहे हैं, प्रोटॉन नंबर ऐड होने की वजह से उनकी जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ग्रैब जरूर करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज हो रही होती है। एंड डिक्रीजेस फ्रॉम लाइटर टू हैवियर एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। और अगर ग्रुप की बात करें तो टॉप से बॉटम में वो डिक्रीज हो रही होती है। लाइटर एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के बड़े पास होगी, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के बड़े पास होगी, न्यूक्लियस इजीली उसको आने वाले इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर अपनी फोर्स जमा सकता है। लेकिन जैसे जैसे हैवियर आते जाएंगे, जैसे जैसे बड़े आते जाएंगे एटम्स, उसमें इलेक्ट्रॉन शेल्स यहां पे अंदर ऐड होती जाएंगी। ऐड होने की वजह से क्या होगा कि जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन ने आना है, वहां पे न्यूक्लियस की इतनी ज्यादा पावर नहीं रह जाएगी, क्योंकि अंदर वाली शेल, उसको मैंने कल भी बताया था, शील्डिंग इफेक्ट हो रही थी, तो एक तरह से अंदर वाली शेल में न्यूक्लियस की पावर ज्यादा होगी, जो आउटर मोस्ट शेल है हैवियर एटम्स में वहां पे न्यूक्लियस की इतनी पावर नहीं होगी, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहां पे कम होगी, डिक्रीज होती जाएगी। अगर हमें मालूम हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अलॉन्ग विद द आयनाइजेशन एनर्जी, तो हम लोग कह सकते हैं, अगर हम लोग को आइडिया हो कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम है, या कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है और आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से एटम्स होंगे जो ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं और वो वाले कौन से एटम्स होंगे जो ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो उनमें से इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है उनमें इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर नहीं हो सकता। इसी तरह जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है उसके इलेक्ट्रॉन हम लोग इजीली निकाल नहीं सकते, और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है उसके अंदर हम इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड करवा सकते हैं, ठीक है, ये दूसरे से ऑपोजिट है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की इन अ पीरियोडिक टेबल, तो केमिकली वो सारे एलिमेंट्स जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं उनको हम लोग कहेंगे कि दे आर मेटालिक इन नेचर, और वो तमाम एलिमेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं कर सकते दे आर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। तो
हमारी बुक हमें क्या बताती है कि केमिकली वो सारे एलिमेंट्स जिनके पास टेंडेंसी है कि वो पॉजिटिव आयंस बन सकें किस तरह से बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड एज मेटल्स, और वो तमाम मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो आप बचपन से पढ़ते हैं कि तमाम मेटल जो हैं गुड कंडक्टर हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम थोड़ा सा इस बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से क्या इलेक्ट्रॉन का रोल होता है एक मेटल में, और किस तरह से हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मेटल जो है वो इज अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे कि अगर आपके पास फर्ज करें ये एक मेटल है, ये एक मेटल की सरफेस है, ये एक मेटल है, यहाँ पे एटम्स सारे मौजूद हैं। अब एटम्स यहाँ पे मौजूद हैं, ये एटम्स ये इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे दरमियान में मौजूद होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सारे बाहर आ गए हैं। अब क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हैं विद इन अ मेटल, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि वो फ्री होकर स्केप हो जाएंगे वहाँ से निकल जाएंगे, नहीं, एक मेटल की जो सरफेस है एक रॉड है, जैसे लोहे का एक आयरन रॉड है, फर्स्ट करें अगर ये एग्जाम्पल है कि ये मार्कर जो है ये आयरन रॉड के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो ये जो आयरन रॉड होगा इसमें क्या है कि सारे इलेक्ट्रॉन इस आयरन रॉड के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके तमाम जो उन तमाम एटम्स के आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली होते हैं, यानी कि वो एटम्स जहाँ अपने अंदर बाउंड नहीं किया होता उन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, अब वो फ्रीली मूव कर सकते हैं क्योंकि वो अपनी शेल को तोड़ के यानी कि शेल के बैरियर को तोड़ के बाहर आ चुके हुए हैं। तो वो इधर पूरी उसकी सरफेस में इजीली रोटेट कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। अब क्या होता है कि अगर मैंने इस साइड पे करंट प्रोवाइड किया या फिर मैंने यहाँ पे हीट प्रोवाइड किया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं करंट को कैरी करते हैं इस साइड से, अगर जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा होंगे वो करंट को कैरी करते हैं और इस साइड से मूव करते हुए दूसरी साइड पर ईजिली जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हीट है तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर हीट प्रोवाइड किया तो यहाँ पर जितने मौजूद होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो हीट को की वजह से एनर्जी अपने अंदर गेन कर लेंगे और वो चलते चलते जब दूसरी साइड पर आते तो वो एनर्जी वहाँ पर रिलीज करेंगे। इस तरह दूसरा उसका पार्ट भी, जिस तरह स्पून है उसका दूसरा पार्ट भी गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है, वो सारा रोल प्ले करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और पॉजिटिव आयन बना सकते हैं दे आर मेटालिक इन नेचर। और किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है ये मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है। अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज दैट जब ये बेसिक ऑक्साइड्स बना देते हैं विच गिव्स बेसिस, ये जो इलेक्ट्रॉन की एक और प्रॉपर्टी क्या है कि ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, Na जो एक सोडियम एक मेटल है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर बेसिक ऑक्साइड बनाता है, और जब ये वाटर के साथ हम इसको हल करते हैं तो ये एक बेस बना देता है 2NaOH, ठीक है, जब इसको वाटर के साथ डिजॉल्व किया जाता है तो ये बेस बना देता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे जैसे हम एक ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो उसका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, और जो आउटर मोस्ट शेल है वो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से दूर हो गई है, इसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियर का इतनी फोर्स नहीं है, इतनी ग्रैबिंग पावर नहीं है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखे, इसलिए इजीली यहाँ बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं। बजाय इसके कि ऐसे जो एटम जो ऊपर मौजूद हैं ऊपर वाले एलिमेंट्स के जो एटम हैं जो स्मॉलर इन साइज़ हैं उनकी बाहर वाली आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियर की पावर ज़्यादा है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो सकते, लेकिन अगर कोई बड़ा एटम है जहाँ पे अंदर भी शेल्स हैं और बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियर से ज़रा दूर है तो यहाँ पर न्यूक्लियर की पावर कम होगी, इलेक्ट्रॉन ईजिली यहाँ से स्केप कर सकते हैं, और इस तरह से ये मेटेलिक करेक्टर जो है विद इन अ ग्रुप इट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप में कम होगा मेटेलिक करेक्टर, नीचे जो बॉटम वाले एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। जबकि अगर हम लोग एक पीरियड में बात करते हैं तो इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट वाले एलिमेंट्स ज्यादा मेटालिक हैं एज कंपेयर टू द राइट वंस जो कम मेटालिक हैं। जो सेवंथ ए ग्रुप है हेलोजन्स का वो सबसे लीस्ट मेटालिक है नेचर, वहां पे मेटालिक करेक्टर लीस्ट शो होता है, बहुत कम है वहां पे मेटालिक करेक्टर। इसी तरह वो एलिमेंट्स जो इजीली गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को और बनाते हैं नेगेटिव आयंस उनको हम लोग कहेंगे कि ये नॉन मेटालिक करेक्टर शो करते हैं, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकते। जब इलेक्ट्रॉन फ्री मूव नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है जो कंडक्ट कर सकें हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को, इसका मतलब कि ये नॉन मेटालिक है, ये मेटल है ही नहीं है। तमाम जो गैसेज हैं वो नॉन मेटल्स हैं इन नेचर, ठीक है।
दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना ये हीट को प्रॉपरली कंडक्ट कर सकते हैं, ना ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपरली कंडक्ट कर सकते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं इनकी खासियत क्या है कि ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो मेटल्स थे वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते थे, ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, यानी कि जिस तरह सल्फर है ये एक नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, और जब ये वाटर के साथ मिक्स होगा तो ये H2SO4 जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो बना देगा। ठीक है, हम लोगों को मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में अब थोड़ा सा आइडिया हो चुका है। अगर आपको डिफरेंशिएट करने को मिले कि मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो मेटालिक कैरेक्टर सबसे पहली बात वही कि दे कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटालिक दे कैन इजीली अब्सॉर्ब इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स एंड फॉर्म बेसिस व्हेन एडेड इन वाटर, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स एंड फॉर्म एसिड्स व्हेन एडेड इन वाटर। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड नो इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑपोजिट लिखेंगे। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज होता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है, यानी कि पीरियड में बात करते हैं फ्रॉम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लोग उसका मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। क्यों? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से शेल्स बढ़ती जा रही हैं, वही बात है, बाहर वाली शेल्स जो हैं न्यूक्लियस के दूर हो गई हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, और जिनका इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो नॉन मेटल्स तो हैं ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि टॉप से बॉटम में नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर हम बात करते हैं हैलोजन्स की, जो हमने कहा जो लीस्ट मेटालिक हैं वो, उनमें मेटालिक कैरेक्टर बहुत कम शो होता है क्योंकि वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को कभी भी लूज नहीं कर सकते हैं, तो उनमें जो है हैलोजन्स जो होते हैं वो नॉन मेटालिक डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उनमें भी ऊपर वाला जो है हैलोजन है हीलियम नियॉन आर्गन है सॉरी फ्लोरिन क्लोरिन है, ये सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक है, और जो नीचे वाले हैलोजन्स हैं उनमें थोड़ा थोड़ा मेटालिक कैरेक्टर शो हो सकता है। ठीक है, इसमें जो फ्लोरीन है मैंने आपको बताया कि मोस्ट नॉन मेटालिक है। इसी तरह अगर हम लोग ग्रुप 5A एंड 6A में बात करते हैं, आप ये प्लीज़ लेक्चर सुनते हुए या जब आप ये इस लेक्चर की तैयारी करते हैं तो आप अपनी बुक्स में जो पीरियोडिक टेबल है उसको साथ ज़रूर कंसल्ट करें, वो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी देगा। अच्छा जी, जो होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो ग्रुप 5 और 6A में रिस्पेक्टिवली हैं, वो प्योर नॉन मेटालिक हैं, जो ऊपर हैं लाइटर हैं वो प्योर नॉन मेटालिक हैं, और ये गैशियस स्टेट में होते हैं जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है इन द ग्रुप 5A एंड इन द ग्रुप 6A, जबकि इन्हीं के लोअर मेंबर्स को देखें जो बिस्मथ है ग्रुप 5 में और पोलोनियम है ग्रुप 6A में, ये मेंबर्स जो हैं ये फेयरली मेटालिक होते हैं, यानी कि जैसे जैसे वो नीचे आ रहे हैं ग्रुप में एलिमेंट्स हम नीचे की तरफ मूव करते जा रहे हैं वैसे वैसे उनका मेटालिक करेक्टर जो है नेचर मेटालिक नेचर जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, कल इंशाल्लाह दोबारा मैं अपना लेक्चर लेके आऊँगी, और आप लोगों को कुछ भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।